नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मोकी रोम है या 7.1.1 रेडमी नोट 3 के लिए। यहां पे आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए रेडमी नोट 3 एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 नगेट्स। यस, तो ये नगेट्स पे बेस्ड है जी हाँ, और ये काफ़ी अच्छा रोम है, स्मूथ रोम है। तो ऑन द डेली बेसिस आप इसे यूज कर सकते हैं। डेली ड्राइवर तो इसमें हमें मिल जाता है, जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 5 जनवरी 2017 का मिल जाता है। मोकी वर्जन नाइटली, ये मतलब कि ऑफिशियल रोम है जी हाँ। तो आप इसे एज ए ऑफिशियल रोम का अपना डेली ड्राइवर के एज ए यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें मिल जाता है बटन्स जी हाँ, आप इसमें नेविगेशन बार जो है सो ऑन स्क्रीन बटन जो है सो कर सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे नेविगेशन बटन जो है सो काम कर रहा है काफ़ी अच्छे से। तो और उसके बाद में आप यहाँ पे बटन्स की हाइट वगैरह सब सेट कर सकते हो जी हाँ। और आप अगर बैक आओ तो आपको मिल जाएगा गेस्चर कंट्रोल जी। तो डबल टैप टू हमें जब पावर बटन को दो बार दबाने के बाद में वो अपने आप में डायरेक्टली आपको आ जाएगा कैमरे में जी हाँ। डबल टैप ऑन स्टेटस बार टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। तो ये यानी काफ़ी कस्टम मोड में होता है और इसमें ये अलग से एक्शन में दे दिया गया है कोई नहीं। और इसके बाद में हमें मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। आप जो भी है स्टेटस बार का इस सबसे नीचे आपको सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ से आप स्टेटस बार में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं जी हाँ। इसके अलावा हमें इस रोम में मिल जाता है जो बटन्स है वो काफ़ी अच्छे पिक्सल वाले। ये देखिए आप, ये दबाने पे जो है सो अच्छा 4 कलर वाली जो आप वो है एनिमेशन आ रही है, अच्छी फील है। इसके बाद में हमें मिल जाते हैं एगिस यस। तो ये जो सो अलाउ स्टार्ट ऐप इन बैकग्राउंड, ये जो सो बैटरी ड्रेनिंग से बचने के लिए ऐप दिया गया है। इसमें आप अपने परमिशन जो सेट कर सकते हो, किसको आप परमिशन देना है किसको नहीं देना। इमेज काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद में आपको मिल जाता है ऑडियो इफेक्ट्स यस। वर्चुअल ऑडियो के लिए अगर आप साउंड ज़्यादा पसंद करते हो सुनना, तो ये काफ़ी अच्छा है, कस्टम करके आप अपने इसमें वर्चुअलाइजेशन का काफ़ी अच्छा लुफ्त उठा सकते हो। इसके बाद में बाकी सारे आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील मिल जाएगी जी हाँ। बस दिक्कत जो है जो कैमरा वाला इसमें भी है, कैमरे में दिक्कत नहीं है, बट कैमरे के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें दिक्कत है। आपको ये मैं दिखा दूँ, ये वीडियो मैंने ओपन कर रखा है एंड ये देखिए कांट शूट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वैसे भी ये शूट नहीं कर पा रहा है, बट कैमरे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कैमरा जो है काफ़ी अच्छे से शूट कर पा रहा है। फ्लैश लाइटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो ये देखिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा हम कह सकते हो, बट अभी फ़िलहाल ये इतना ज़्यादा नहीं है बगीस। और जब फ्रंट कैमरा करने पर कभी कभी जो आपको दिखा दूँ मैं, ये फ्रंट कैमरा तो फ्रंट कैम भी काम कर रहे हैं, बस आपको दिक्कत आने वाली है वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो एज ए वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कोई थर्ड पार्टी कैमरा ऐप यूज करना पड़ जाएगा। ओपन कैमरा ऐप एंड सिनेमा V5 वो काफ़ी सारे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं बता दूँ, आपको मिल जाएगा ईमेल और आपको मिल जाएगा FM रेडियो प्लग एंड प्ले, और साथ में मिलेगा आपको गैलरी, अमेजिंग गैलरी यस। तो ये भी काफ़ी अच्छा गैलरी है, स्नैपड्रैगन्स के लिए एल्बम दिस टाइमलाइंस, तो ये भी काफ़ी अच्छा है जी हाँ। तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा फ़ोन जी हाँ। और ये जो सो वोल्टेज को सपोर्ट करता है, तो मैं आपको चेक करवा दूँ यहाँ पे 198 एंड कॉल फ्रॉम जियो। वेलकम टू जियो यस, तो आप सुन सकते हो वेलकम टू जियो एंड ये जो सो जियो सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये आपको इसमें जो है सो अगर आप मैशमैलो से आते हो तो आपको सीएम फ्रेमवर्क फ्लैश करना पड़ेगा, और उसके अलावा नहीं। आपको मिल जाता है एक रिकॉर्डर जी हाँ, ये रिकॉर्डर एक्सट्रीम रिकॉर्डर भी है और ऑडियो रिकॉर्डर भी, दोनों में आप यूज कर सकते हो, और अब आपकी मर्जी है इसे कैसे यूज करना है। इसके बाद आपको मिल जाता है सबस्ट्रैम का फीचर जी हाँ। सबस्ट्रैम जो है सो 7.1.1 में थीम का फीचर लाता है जी हाँ। तो आप इसके ज़रिए आप थीम अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो। आपको थीम जो है सो पैड और या फिर फ्री जो है सो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद में आपको मिल जाएगा यहाँ पे थीम का सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी शोकेस, यहाँ से आप काफ़ी सारे थीम्स जो है सो डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ये भी फीचर। एंड देन आपको मिल जाता है वायु ब्राउज़र, ये ब्राउज़र भी क्रैशिंग नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। आपको जो सो स्टॉक जैसे गूगल क्रोम वाला फील आएगा इसमें जी हाँ। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा है यस।
तो कोई क्रैशिंग तो नहीं नज़र आ रही है। हाँ आपके अब कनेक्टिविटी पे ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड है। देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड ये काफ़ी स्मूथ और अच्छा लग रहा है, मुझे फील अच्छी है। देन आपको मिल जाता है क्विक एंड ट्रिक्स में, रिसेंट बार में आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा फ्री रैम कितनी है आपके फ़ोन में जी हाँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऐप जो है रन कर रखा है और इसमें 760 MB तक रैम है अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों ये रही, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रोम फ्लैश करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिकवरी मोड में जाना है। तो चलिए हम कैमरे पे चलते हैं। We'll be right back.
to the baseline. We'll be right back.